टीवी जगत के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस का 17वां सीजन चल रहा है। जब से बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आयशा खान आई हैं, तब से मुनव्वर फारूकी का गेम भी बिगड़ चुका है। दरअसल आयशा ने शो में मुनव्वर फारूकी को लेकर कई गहरे राज खोले, जिसे सुनकर फैंस के होश उड़ जाएंगे। आयशा ने कहा कि मुनव्वर ने उन्हें धोखा दिया है। वो अपनी गर्लफ्रेंड नाजिला और उन्हें एक साथ डेट कर रहे थे। आयशा ने यह भी कहा कि मुनव्वर ने दो लड़कियों को एक साथ डेट करने के साथ तीसरी लड़की को शादी के लिए रिश्ता तक भेजा था। वहीं जब आयशा से अंकिता और विक्की ने उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने नाम बताने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो लड़की बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आयशा ने कहा कि लॉकअप शो के दौरान मुनव्वर ने इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा को भी रिलेशनशिप की उम्मीदें दी थी। इसके बाद अंकिता ने अभिषेक को बताया कि लॉकअप की पार्टी के बाद अंजलि अरोड़ा उन्हीं के साथ गई थी और मुनव्वर के लिए बहुत रो रही थी। उस समय अंजलि मुनव्वर से काफ़ी अटैच्ड हो गई थी। वहीं आयशा और अंकिता के खुलासों के बाद अब फैंस का मानना है कि जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मुनव्वर ने शादी के लिए रिश्ता भेजा था वो कोई और नहीं बल्कि अंजलि अरोड़ा ही हैं।